काफी अरसे से सिल्वर स्क्रीन से गायब रही टैलेंटेड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी एक बार फिर बड़े पर्दे पर दस्तक दे रही हैं अपनी नई फिल्म थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक के साथ। इसी फिल्म के प्रमोशन पर वो दिल्ली पहुंची और हमने की उनसे खास बातचीत। बहुत सारा मैजिक है फिल्म में और ये कहना चाहूंगी कि 27 जून को आ रही है पिक्चर और लुकिंग फॉरवर्ड कि लोग देखे, दर्शक देखे और फिर उनका मतलब फीडबैक क्या होता है, रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, क्योंकि ये मेरी सिर्फ यही रिलीज है इस साल, तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द रिलीज। आई बीन एक्चुअली क्वाइट लकी कि जब भी मैंने बच्चों के साथ काम किया, दे बीन लाइक वंडरफुल। जो दो बच्चे थे टायरम पर में वो भी बहुत अच्छे थे, ये जो चार बच्चे हैं इस फिल्म में वो भी बहुत अच्छे थे और ताज्जुब की बात यह है कि वो बहुत अच्छे एक्टर्स भी हैं। और स्क्रिप्ट पढ़ के मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि एक तो ये मतलब तरी की कहानी थी, एक मतलब एंजल का मतलब किरदार दिया गया था मुझे, और सबसे अच्छी बात थी कि मेरा कैरेक्टर रो नहीं पाता फिल्म में, तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि इतने सारे फिल्मों में मैंने इतना रोया है कि एक ऐसी फिल्म आई मेरे पास जो कि मुझसे कहा जा रहा है कि आप रो नहीं सकती फिल्म में, तो ये मुझे बड़ा मजेदार लगा और मैंने सोचा कि ये रोल तो मुझे करना ही है। एक्चुअली सबके साथ मतलब मेरा अलग तरीका का रैपो है, सबके साथ मैंने एक डिफरेंट मोड पे मेरे करियर के काम किया है। सबसे खास ऑब्वियसली शाहरुख और आमिर है, क्योंकि मैंने उनके साथ तब काम किया जब मैं मतलब न्यू कमर थी और उनसे मैंने बहुत सीखा है और वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी है, बहुत ही मेरे मतलब करीबी दोस्त हैं, तो काम करना उनके साथ बहुत अच्छा लगता है। और शाहरुख के साथ तो मैंने बहुत सारी फिल्में की है, तो उनके साथ जो मेरा कम्फर्ट लेवल है क्योंकि हम दोस्त हैं और वो मतलब मेरे टीचर जैसे हैं सेट्स पे। जी मैं इधर ही हूँ, मैं काम कर रही हूँ, मैं अपना काम करती हूँ घर से स्टूडियो, स्टूडियो से घर, और अभी मैं 3 महीने थोड़ा बिजी थी अपना घर में मतलब कंप्लीट कर रही थी, इट वाज इन अ कंप्लीशन स्टेज, और अभी जबकि मेरा घर कंप्लीट हो गया है, मेरी फिल्म कंप्लीट हो गई है, तो मैं अभी आ गई हूँ सबके सामने। शादी के लिए तो बहुत टाइम है, अभी तो मुझे बहुत काम करना है। अभी फिलहाल मैंने अपना घर बनाया है, घर में रहना है, एंजॉय करना है, यानी कि अभी बहुत टाइम है, दर्शकों को बहुत टाइम है, बहुत टाइम, बहुत बहुत थैंक यू। सीधी सपाट जिंदगी बवाल हो गई, सीधी सपाट जिंदगी बवाल हो गई, वो तेरी एक नजर से